हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है हमारे बीच इरफान खान और ऋषि कपूर सर नहीं रहे। इसी बीच में एक टिकटॉक पर वीडियो अपलोड किया गया था जिसमें यह बताया गया था कि टिकटॉक स्टार मिस्टर रियाज भी हमारे बीच नहीं रहे, जो वीडियो टिकटॉक पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हुआ था, जिस वीडियो पर 24 घंटा में 25 से 26 मिलियन व्यूज क्रॉस कर चुका था। इसी तरह से एक वीडियो और वायरल हो रहा है जो टिकटॉक में, तो सबसे पहले मैं इस वीडियो को प्ले कर दिखा देता हूँ। तो बेसिकली इस वीडियो में बताया जा रहा है हमारे बॉलीवुड स्टार अमिताभ बच्चन 2 दिन से हॉस्पिटल में भर्ती है। इसी वीडियो की सच्चाई बताने वाला, जो कि वीडियो में देख सकते हैं, 1,00,000+ लाइक्स चला गया हुआ है और इस वीडियो पे व्यूज की बात किया गया है 3.7 मिलियन व्यूज चला गया हुआ है। तो ये वीडियो टिकटॉक पे भी काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। आपका कमेंट भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं, 397 कमेंट आ चुका है और 3700 के आसपास ये वीडियो शेयर किया गया है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए। मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये वीडियो YouTube से डाउनलोड करने के बाद TikTok पे अपलोड किया गया है। ये वीडियो TikTok पे काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, जो कि वीडियो में गलत इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है और लोगों को गुमराह किया जा रहा है। और ये वीडियो जो है 18 अक्टूबर 2019 का है, आज अपलोड किया गया है TikTok में सिर्फ लाइक चेंज व्यूज के लिए। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो भी भाई इस तरह के गलत इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं, गलत है। इस तरह से आप लोगों को 1% भी फायदा नहीं होने वाला है। आप यहाँ पे TikTok ID भी देख सकते हैं, ये वीडियो अपलोड किया गया है। और मैं आपको ये बता देता हूँ, यदि आप लोगों के सामने कुछ इस तरह के वीडियो देखने को मिलते हैं तो आप सिर्फ लाइक्स या कमेंट मत कीजिए। क्या होता है, आप लाइक के या फिर कमेंट करते हैं तो इस वीडियो का रीच बढ़ता है और ये वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल होना स्टार्ट हो जाता है। इससे पहले भी जो मिस्टर याज का वीडियो जो था वो भी TikTok पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हुआ था। तो आपको करना क्या, सिंपल मैं आपको बता देता हूँ। आपको शेयर पे क्लिक करना है। शेयर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है रिपोर्ट के, सिंपल आपको रिपोर्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और सेकेंड वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप लिख सकते हैं फेक इन्फॉर्मेशन और सिंपल इसके बाद यहाँ पे आपको चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ से आपको सबमिट कर देना है। यदि आप इस तरह से 50 से 60 व्यक्ति करते हैं तो ये वीडियो TikTok रिमूव कर देगा या फिर इसको डाउन कर देगा। इस तरह से क्या होगा, ये वीडियो और लोगों के पास पहुँच नहीं पाएगा और ये वीडियो वायरल होना कम हो जाएगा। नहीं, इस तरह से आप नहीं करते हैं तो ये वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आप चाहे तो वीडियो को ब्लॉक करा सकते हैं। और मैं आपको बता देता हूँ, इस तरह के TikTok पर बहुत सारे ऐसे अकाउंट हैं जो लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन देने का काम करते हैं, यानी कि सिर्फ फेक न्यूज़ अपलोड करने के लिए ही TikTok पे अकाउंट बनाए हुए हैं। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, साथ ही साथ टेक्निकल शैलेंद्र चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।